वेलकम टू अनदर वीडियो रोस्टर रोस्टर। आज हम बात करेंगे मीम्स की। मीम्स होते हैं छोटे छोटे मीम्स। पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि छोटे छोटे मीम्स होते क्या हैं। मीम्स होती है एक छोटी सी एक 5 या 10 सेकंड की वीडियो जो आपको हंसाती है, रुलाती है और भी कई चीज़ें आपकी लाइफ को, पूरे दिन की टेंशन को अगर आप कुछ मीम्स देखोगे तो आपकी लाइफ एकदम फ्लो करके निकल जाएगी। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे टाइम यूँ निकल गया देखते देखते। मतलब आप जैसे कोई मूवी देख रहे हो 3 घंटे की, 3 घंटे की मूवी और 30 मीम्स एक बराबर होती हैं। ये आपकी लाइफ की सारी टेंशनें दूर कर देती हैं। इन मीम्स को देखिए और इससे खुद को रिलेट कीजिए। ये मीम्स यही वही वीडियो होती है जो आजकल कुछ को लोग चीजें चरांद फैलाती हैं। जैसे राहुल गांधी ने मोदी जी को गले लगाया था, उस पर मीम्स बन गए थे। पीछे जैसे बैकग्राउंड में कोई गाना चला दिया, कुछ चला दिया, या फिर इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता वाली मीम्स, और झुनझुन झुनझुन झुन, वो जो नशेड़ी आया था, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया हूँ, वो जो झुनझुन झुनझुन झुन करके करता था। चल पड़ी हैं। हम जो वीडियो लेकर आए हैं ये उसी से रिलेटेड है, कैसे मीम्स को हम अपनी असल जिंदगी से रिलेट कर सकते हैं। नहीं तो अपने टाइम पे हम लोग कैसे टाइम पास करा करते थे, या हम गिल्ली डंडा खेलते थे, या हम छुपन छुपाई खेलते थे, या हम बॉल पकड़ के मरम पिट्टी खेलते थे। वो थे 90 के जमाने। अब हम जी रहे 21वीं शताब्दी में, सन 2018 में। तो आज के टाइम हमारे बाहर खेलने के बजाय आज जिंदगी मोबाइलों पे बीतती है। कभी कभी आपने सोचा होगा हमारी लाइफ कितनी स्मूथ चल रही है, पर ऐसा नहीं है, लाइफ स्मूथ नहीं चलती। कभी कभी भगवान, लाइफ हमारी बहुत स्मूथ चल रही है यार, अब तो बस हो गया एक अच्छी बीवी। जब आपको एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी गर्लफ्रेंड, आपके माँ बाप आपकी बात सुनने वाले हों तो आपको कितना सही लगता है कि यार लाइफ क्या मस्त एकदम फ्लो में जा रही है। पर कभी कभी जिंदगी को लगता है नहीं, इसकी लाइफ शांति से नहीं रहनी चाहिए। जब तक इसकी लाइफ में कुछ टेंशन नहीं, इसकी लाइफ में स्मूथनेस नहीं, थोड़ी कर्वनेस होनी चाहिए। ये भगवान भी सोचेगा इसकी लाइफ में टेंशन नहीं होगी तो मेरा खून कैसे बढ़ेगा, मैं कैसे इंजॉय करूँगा। कैसे इस लड़की की शादी के टाइम पे इसके फ्रेंड ने इसका केक उड़ा दिया, उसके बाद इस लड़की ने इसे सूद दिया होगा मार मार के चप्पलों से। तभी लाइफ में किसी ने सच ही कहा है, लाइफ में अच्छे और सच्चे दोस्त पालने चाहिए, क्योंकि कौन कब कहाँ किस तरह की उंगली कर जाए आपको पता नहीं चलेगा। किसी से सच्चे और असली कमीने हरामी बंदे ने कहा है कि दोस्त हरामी होने चाहिए, हरामी, क्योंकि वफादार तो कुत्ते भी पाल रखे हैं तुम लोगों ने। अब ये देखो अगली वीडियो में कैसा ये हरामी दोस्त कहता है कि देखो मैं तुम सबके ऊपर से कूदूंगा, और ये हरामी साला उनके ऊपर ही कूद मरता है। ये होते हैं हरामी दोस्त। जब तक आपके दोस्त ऐसे हरामी नहीं होंगे ना, तब तक लाइफ नहीं चलेगी। दोस्त बुरे नहीं होते, पर जो दोस्त कमीने नहीं होते ना, वो दोस्त दोस्त नहीं होते। हाँ, तो इस बात को याद रखिएगा। ये देखिए अगली वीडियो में कैसे एक दोस्त दूसरे को साइकिल पे, उसको अपने दोस्त को साइकिल चलाना सिखा रहा है। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना। कैसे उसकी इज्जत तक उतर जाती है, कच्चा तक उतर जाता है, पर वो उसको छोड़ता नहीं कि कहीं मेरे दोस्त को चोट ना लग जाए। इस तरह अपने दोस्ती की शक्ति हमेशा कायम रखो। लौंडिया वौंडिया बीच में आ जाए तो दोस्ती तोड़नी नहीं चाहिए। इन मीम से हमें कुछ सीखने को भी मिलता है कि जितनी मर्जी हवा चले या दुनिया का कोई बंदा आपके आपके फ्रेंड के बारे में झूठ बोले, उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ना। और अब ये देखो कैसे शेखों में कितनी बढ़िया दोस्ती हो रखी है। उस शेख ने एक शॉट मारा और उसके दोस्त ने सीधा उसमें डाल दिया। ये वही कमीने दोस्त होते हैं जो आपकी, चाहे आप सही हो या गलत हो, उन्हें से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके गम, बुरे, अच्छे, बुरी, हर तरह की चीजों में आपका साथ देंगे, चाहे वो आप मरने की हद तक क्यों ना हो। आप चाहे नरक के दरवाजे भी खड़े होंगे ना, तो कहेंगे चल भाई साथ चलते हैं, साथ मिलके यमराज की बेटी को छेड़ेंगे। वो भी क्या याद करेगी किस स्वैगी से पाला पड़ा था।
अगली मीम में हम आपको नशे की कुछ चीजें दिखाएंगे, नशा दिखाएंगे नहीं पर हम इसके बारे में आपको सचेत करते हैं कि नशा बुरी चीज है, ये मत करें, इसे पीने के बाद आप बिल्कुल हो जाते हैं, मतलब आपको होश आवाज नहीं रहता। देखिए जैसे अगली वीडियो में ये लड़की को समझा रही है कि उठ जा भाई, आंख खोल, आंख, उसकी आंख नहीं खुल रही है। इसलिए हम सही कहते हैं उसे नो टू ड्रग्स, खाओ पियो ऐश करो। अब अगली वीडियो में देखिए कैसे सालों बाद एक नशा मुक्ति केंद्र से एक बंदा आया और वो ऐसे माल फूकने के बाद ऐसा रिएक्शन दे रहा है जैसे किसी फिल्म का गाना गा रहा हो, ये देखिए अगली वीडियो में। नशे में आदमी का खुद पे काबू नहीं रहता, नशे में तो आदमी चाहे दारू पी रखी हो या ड्रग्स में। हेड में चल बे, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। गाड़ी तो मैं चलाएगा। अरे नहीं भैया, रिक्शा तो तेरा भाई चलाएगा। ये नशे में कुछ भी करो पर गाड़ी वाड़ी मत चलाओ, ओला उबर कर लो पर गाड़ी नहीं। लोग नशे में निशानेबाजी भी करते हैं और वो परफेक्ट निकल जाती है। अब ये देख, ए देख भाई का निशाना देख, ये मारा। कई बार अंधेरे में चलाया तीर भी सही जगह लग जाता है। अगली मीम वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ जानवरों की कुछ वीडियो, उन्हें बिल्कुल मेरी तरह ही नल्ले निठल्ले और बिना किसी काम के होते हैं। इन जानवरों में भी इंसानों की तरह ही उतनी ही आलसीपन भरा हुआ है जितना हम लोगों में भरा हुआ है। अब अगली एक और वीडियो है जिसमें देखो ये बिल्ली को जैसे ऐसे लग रहा है जैसे बिल्ली को सब्जी लाने के लिए कह दिया गया हो, पर ये साली देखो कैसे आलस की तरह डडन 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 करती हुई जा रही है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम। अब इसी जानवर को देख लो, इसका मालिक से कह रहा है चल उठ जा कमीनी, उठ जा कुतिया, उठ जा, उठ के कुछ काम कर ले, कुछ काम कर, कुछ अपना मोटा पेट कम कर ले। Stop it. Get some help. पर ये घंटा नहीं सुन के राजी है, ये उठती है और फिर बैठ जाती है। आलस इसकी नसों में बस गया, जैसे इंसान की नसों में बस जाता है, जैसे नशा जो है ना न आंखों में बस जाता है, इस बिल्ली की नसों में आलस बस गया इंसानों की तरह। इंसान को और जानवरों को मेहनती और काम करने वाला बनाना चाहिए, आलसी नहीं, क्योंकि आलसी तो भालू भी है, वो भी 6 महीने आराम से सोता है, फिर हम में और इस भालू में घंटा फर्क रह जाएगा। कुछ जानवर तो हरामी होते हैं, इस बार वो जिस जानवर की मैं बात कर रहा हूँ वो और कोई नहीं है, वो कार्टून वाला जानवर है। ये जानवर इंसान के अंदर भी बहुत बहुत प्रबल तेजी से बैठता है। जब उसकी गर्लफ्रेंड घर में अकेली है और वो कहती है आई एम होम अलोन, जैसे इस वीडियो में दिखाया है। मेरे घर पे कोई नहीं है। हाँ तो आई एम होम अलोन। हाँ तो मेरे मॉम एंड डैड 2 दिन घर नहीं आएंगे। हाँ तो तो ये साबित होता है कि जानवर और इंसान बराबर हरामी है, किसी के हरामी पने में कोई कमी नहीं है। ये मीम नहीं है, ये लाइफ की सच्चाई है, क्योंकि थप्पड़ से डर लगता है, सच्चाई से नहीं लगता। अब अगली वीडियो में देखिए कुछ जानवर तो बावले हो जाते हैं, जैसे इंसान लड़कियों के लिए बावला होता है, ऐसे जानवर भी अपनी जात बिरादरी भूल के ये 2 कुत्ते साले एक बिल्ली के चक्कर में इसको आगे पीछे घुमा रहे हैं, ये अपना सब कुछ भूल चुके हैं, जैसे इंसान लौंडिया के चक्कर में मर गुजरते हैं ना, ऐसे ये भी मर गुजर रहे हैं। अबे सालो लौंडो शक्ति में जियो, क्योंकि अगर हल्का सा भी पिघल गए ना तो ये तुम्हारा चूतिया ही काटेगी, लिख के ले लो। अब अगले मीम वीडियो में हम दिखाएंगे और कुछ कुत्ते तो गाने की
आगोश में इस तरह बह गए कि पागलों की तरह कर रहे हैं। जरा देखो अगली वीडियो में। पागल होने कहते हैं इस तरह तो इंसान नाचता है, पर कई बार जानवर भी भावनाओं में बह जाते हैं।